हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेशल स्टडी विद राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटिव बिहार की जितनी भी पोस्टें हैं, बिहार की पीजीटी टीजीटी पीआरटी में जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, या फिर दोस्तों जो अदर स्टेट के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अदर स्टेट अभ्यर्थी को कितनी सीट मिलनी है, साथ ही में दोस्तों अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण का लाभ कितना मिलेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों कि महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। तो उन सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, जो बिहार के अलावा अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों के देख लेते हैं, जो पीआरटी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों जो पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है अन्य राज्यों के लिए। तो देख लें दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिनमें प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि जो वर्ग एक से लेकर पाँच तक विद्यालय अध्यापकों के लिए जो वैकेंसी जारी की गई थी, उनमें अनारक्षित पुरुषों के लिए देख लें, सामान्य पे देख लें 13,997 पद, उर्दू के लिए 2,528 और बांग्ला के लिए 22, टोटल दोस्तों 15,947 पोस्टें, और अनारक्षित महिलाओं के लिए देख लें टोटल 16,040, जिनमें दोस्तों देख लें 13,435 सामान्य के लिए, उर्दू में देख लें 2,570 और बांग्ला विषय के लिए 35 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए। साथ ही कुल मिला के दोस्तों देख लें, करने वाले हैं बीपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन की। इस बुक में दोस्तों प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट कंटेंटमेंट शामिल किया गया है, जो आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है ये बुक। सो दोस्तों, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस बुक में आपको कंटेंटमेंट के साथ साथ में दोस्तों आपको पाठ्यक्रम से रिलेटिव सारी विषयों के प्रैक्टिस सेट भी साथ में दिए जा रहे हैं। यदि दोस्तों आप इस बुक को परचेस करते हैं तो आपको सभी विषयों में बेस्ट अंक आने के लिए ये बुक मददगार साबित होने वाली है, इसलिए दोस्तों इस बुक को जरूर से जरूर लें। साथ ही दोस्तों चक्षु प्रकाशन की तरफ से बीपीएससी की बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक भी जारी की गई है, तो आप दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। टोटल 32,000 के लगभग पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा एक से पाँचवीं तक पढ़ाने के लिए जिनको दिया जाएगा उनके लिए वैकेंसी दी गई है, अन्य राज्य पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और दोस्तों माध्यमिक विद्यालय जो नौवीं से लेके दसवीं तक हैं उनके लिए दोस्तों देख लें टोटल 8,486 अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए है, और अनारक्षित जो महिलाएं हैं जो अन्य राज्य से बिलोंग करती हैं टोटल 4,779। तो दोस्तों कहने का मतलब है जो माध्यमिक विद्यालय हैं जो 9 से लेके 10 तक हैं उनके लिए पुरुषों में 8,486 और महिलाओं में 4,779, यानी महिलाओं में यहाँ पे पोस्टें कम देखने को मिली हैं, जबकि दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक के लिए 16,040 और पुरुषों में 15,947 थी। इनके अलावा दोस्तों देख लें जो विषय बार हैं, चाहे हिंदी के लिए हो, अंग्रेजी के लिए हो, विज्ञान के लिए हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी और बांग्ला, 10 विषयों के लिए अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे सीट दर्शाई गई हैं। इनके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए उच्च माध्यमिक कक्षा 11 और 12 के लिए टोटल यहाँ पे दोस्तों देख लें 30 विषय हैं, जिनमें से जो अन्य राज्य के पुरुष हैं उनके लिए टोटल जो पद हैं वो 14,679 और जो अन्य हैं जो अनारक्षित महिला हैं वो उनमें केवल 8,473। तो इसमें भी दोस्तों आपको पुरुषों पे 14,679 और महिला पे 8,473 पद ही देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों क्या इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आप अनारक्षित वर्ग के लिए चाहे पुरुष हो या महिला हो उनकी कैटेगरी वाइज फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे, बल्कि दोस्तों सभी चाहे वो अन्य राज्य के एसटी में आते हों, एससी में आते हों, ओबीसी में आते हों, जनरल सभी एक ही कैटेगरी में बनकर जाएंगे।